अलीगढ़ और हाथरस में बुधवार को सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही हैं। दोपहर में गर्म हवाएं और अधिक तेजी से चलेंगी। हाथरस में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और अलीगढ़ में 42 डिग्री रहने की संभावना है। गर्मी से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। तन झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए लोगों ने आंखों पर चश्मा और मुंह पर अंगोछा लपेट कर चल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तापमान 45 डिग्री पार कर जाने की उम्मीद है। गर्मी से बचने के लिए चिकित्सकों ने खास टिप्स दिए हैं। बुधवार को सुबह से ही सूरज की तेवर सख्त दिख रहे हैं। गर्म हवाएं चलने से घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। एक सप्ताह पूर्व मौसम में कुछ राहत थी। 38 डिग्री पहुंचे तापमान से लोगों को भी राहत मिल रही थी। 2 दिन मौसम ठीक रहने के बाद फिर गर्मी के चलते जनजीवन हाँफ गया। गर्मी से बचने के लिए किए जा रहे उपाय भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। मौसम के चलते आमजन ही नहीं पशु पक्षी भी परेशान हैं। गर्म हवाओं की लपटों से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सोमवार को भी अधिकतम तापमान 43 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी से बच्चे क्या बुजुर्ग भी परेशान हैं। मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले वर्ष लू मई के महीने से शुरू हुई थी, इस बार तो एक माह पहले से ही चलने लगी है। अगले 3 दिनों तापमान 45 के पार होने की संभावना है। भीषण गर्मी में कोलेरा, बदहजमी, पेट के रोग, मलेरिया व संक्रामक रोग भी पनपने लगे हैं। चिकित्सक बताते हैं कि धूप से बचने को छाते का प्रयोग जरूरी है। वहीं सूते ढीले व हल्के रंग के कपड़े पहनने से राहत मिलती है। हो सके तो दोपहर के समय अधिक मेहनत वाले काम से बचें। नारियल पानी, फलों का जूस, मौसमी फल, तरल पदार्थों के सेवन से ही राहत मिलेगी।